23 अक्टूबर 1962 को सुबह 5 बजे टोंगपेन ला में सर्दियों की वो सुबह दुश्मन की गोलाबारी के धमाके से गूंज उठी। 200 चीनी जवानों की पहली लहर अपने और भारतीय सैनिकों के बीच बह रही धारा को पार कर भारतीय सीमा के इस तरफ आ गए। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपनी बुलंद आवाज और जोश से अपने जवानों को उत्साह दिलाया। कुछ ही देर में उनकी जांघ में गोली लगी, पर उन्होंने मैदान से हटने से मना कर दिया। दोनों तरफ हताहतों की संख्या बढ़ने के साथ माहौल चीख पुकार की आवाजों से भरता जा रहा था। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपनी पलटन को बंदूकों पर संगीने चढ़ाकर दुश्मनों पर टूट पड़ने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया, पर उनका हर जवान या तो पूरी तरह घायल हो चुका था या शहीद हो गया था। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने खुद भी अपनी बंदूक पर संगीन चढ़ाकर चीनियों पर हमला करने का फैसला किया। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मृत्युपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। LIC presents Tales of Valor हर सोमवार रात 9 बजे सिर्फ एपिक और एपिकॉन पर।